गुजरात में भी सितंबर के महीने में बारिश गदर मचा रही है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। नर्मदा इलाके में सरदार सरोवर बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया है और भरूच, नर्मदा, वडोदरा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भरूच में नर्मदा नदी के किनारे के 30 गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, अहमदाबाद, सोमनाथ, नर्मदा की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश और बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, जानना चाहेंगे लगातार इन दिनों अहमदाबाद में भी बारिश हो रही है, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको श्वेता बता देती हूँ कि अहमदाबाद में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुक गई है, लेकिन यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है अहमदाबाद के मणिनगर के जवाहर चौक इलाके में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव हो चुका है। लोग इसी पानी से गुजरने के लिए मजबूर है क्योंकि काफी ज्यादा पानी हर एक इलाके में भरा हुआ है। अगर हम पूरे गुजरात की बात करते हैं तो पूरे गुजरात में नवसारी, सूरत, वडोदरा, भरूच, जो दक्षिण गुजरात और गुजरात के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही सौराष्ट्र के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी हो चुका है। और अगर मौसम की बारिश की बात की जाए तो पूरे गुजरात में अब तक 110% बारिश हो चुकी है, यानी पूरे साल की जो बारिश होती है उसके मुकाबले में 10% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर बांध की बात की जाए तो 109 से ज्यादा जो बांध है वो अलर्ट पर रखा गया है। वही नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते भरूच के किनारे वाले जो बसे गांव हैं उनको खाली करवाया गया है। साथ ही भरूच का जो गोल्डन ब्रिज है वहां पे जो लेवल है नर्मदा नदी का वो 29 फीट पर पहुंचा है, जबकि खतरे का निशान जो है वो 26 फीट पर है। तो 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। सारी नदियां उफान पर है गुजरात की, चाहे वो डांग हो, नवसारी हो, सूरत हो, वडोदरा हो, या फिर अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो वहां की हो। लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 48 घंटे गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह